वेलकम अपना लखवी शर्मा शो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शमशेर, मैं पहले भी बहुत बार पुलिस स्टेशन खोल चुका हूँ। एक बार तो मैंने पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन खोल दिया, कैदी भाग गए। मुझे 2 साल की सजा हुई और 2 सालों में मैंने पुलिस का सारा काम सीख लिया है। जब मुझे लगा कि इतनी चोरियां चकारियां हो रही हैं, सिर्फ चोरी पैसा क्यों कमाएं, हम क्यों ना कमाएं, तो मैंने अपना पुलिस स्टेशन खोल लिया। हेलो हेलो हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, हमारा फोन नहीं चल रहा है, कुछ करेंगे? ठीक है। यस शमशेर भाई साहब, आप लेकिन आपने ये पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? आप ना बेस्ट वो कैदी के कपड़े में बेस्ट लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना वो लाइन लाइन वाले कैदी वाले। हथकड़ी के मुंह वाली औरत, आते ही तुमने गिरफ्तारी वाली बात की है, चली जाओ नहीं तो सजाए मुंडन कर दूंगा, गंजी होके घूमती रहोगी। ये कौन सी सजा हुई? और वैसे भी अगर आपको सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो आप किसी ब्यूटी पार्लर में जाके किसी दुल्हन को सजा दीजिए। आपको पता है थाना खोलने का काम सरकार का होता है। सारा काम सरकार करे, तुम खुद कुछ ना करना मोटी आलसी औरत। अच्छा एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपने थाना खोल लिया, तो आपको ये सैलरी कौन देगा? तुम्हें क्या लगता है हम सैलरी के भूखे हैं लालची हैं? हमारे पास बंदूक है, वैसे पैसे छीन लेंगे। बदतमीज। ये जैसी हरकतें कर रहे हैं ना आप, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई भी केस आने वाला है। देखो कोई केस आए ना आए, लेकिन बोनी के लिए हमारे गांव में एक ताऊ जी हैं, उनको पकड़ के अंदर कर देंगे। उनको अंदर क्यों कर देंगे, उन्होंने क्या किया, कसूर क्या है? उन्होंने कार ले ली ना, तो इसमें गलत बात क्या है? हमसे पहले कैसे ले ली? पता है कोई रिश्तेदार नहीं कार ले ले कितनी जलन होती है, लेकिन मेरी माँ ने बड़े अच्छे संस्कार दिए, कहती बेटा ऐसे जलना नहीं चाहिए, ईंट लेके जाओ उसका शीशा तोड़ दो। देखिए आपको ऐसे ही काम करने हैं तो अपने घर में जाके कीजिए, ये हमारी सोसाइटी है। तो ये हमारा पुलिस स्टेशन है। तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़ी और मोटी पुलिस वाली बन सकती हो। मैं तो कहता हूँ यू आर सिलेक्टेड, चलो जाके उधर आपको वर्दी पहनो, चलो। मैं दिल में आती हूँ, जेल में नहीं। मुझे लगता है तुम दोनों जगह नहीं आ सकती, चलो दफा जाओ, उधर जाओ तुम्हारी वर्दी पड़ी है, उधर चलो पहन के आओ। मुझ पे एक एहसान करना, तो मुझ पे कभी कोई एहसान ना करना। पुलिस में भर्ती होना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैं जब भर्ती होने गया, मुझे कहते ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, मैंने 10 लगाए, क्योंकि ग्राउंड थी गर्ल्स कॉलेज की। जब मैंने ऐसे 10 चक्कर लगाए, आज देख लो भगवान कितनी कृपा, मेरे खुद के 2-4 चक्कर चल रहे हैं। साहब कौन है आप, और मेरे हॉस्पिटल के सामने आपने थाना कैसे खोल दिया? क्यों तुम लोग थाने के सामने हॉस्पिटल खोल सकते हो, हम हॉस्पिटल के सामने थाना नहीं खोल सकते? एक सेकंड, ये हॉस्पिटल पहले से खुला हुआ है। पहले से खुला हुआ तो ढक के रखो, मक्खियां ना आ जाएं इधर। एक सेकंड, हमारा हॉस्पिटल, आपका क्या लेना देना हम इसे खुला रखे या बंद? देखिए आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस में आपकी कंप्लेन कर दूंगी। अब मैं क्या डाकिया हूँ? मैं खुद पुलिस हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेंट लिखूंगा ही नहीं। मैं दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखवाऊंगी। एक काम करो, ले दे के बात खत्म कर देते हैं, तुम 1000 रुपया दे दो। बात आपको खत्म करनी है, मैं क्यों आपको पैसे दूं? मतलब तुम पैसे नहीं दोगी? नहीं। जय हिंद। खबरदार बम्पर, इस लड़की को पकड़ के अंदर कर दो। खबरदार बम्पर, तुमने मुझे हाथ लगाया तो? कानून का कोई दोस्त नहीं होते हैं सरला। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये क्या हवलदार के कपड़े पहन के घूम रही हो तुम? अंदर तुम्हारा पेशेंट इंतजार कर रहा है। उसे कह दो कि मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया है। वो पेशेंट है तुम्हारा, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन मैंने तो उसे बॉयफ्रेंड की तरह ही ट्रीटमेंट किया था ना, आज मेरे साथ। खैर वैसे भी अब मैं पुलिस की यूनिफॉर्म में हूँ, पुलिस के साथ बदतमीज करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। 500 किलो, ऐसे कोई 4 सेंटीमीटर की लड़की से बात करता है? सुनो तुम पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो जाती? ए, अरे ये चूही क्या करेगी हमारे साथ? अरे इसको हम चाइल्ड पुलिस बुलाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के सॉल्व करेगी, जैसे पिगी बैंक के में पैसे चोरी हो गए, किसी का चॉकलेट को लेकर झगड़ा हो गया। मेरे जमीर में दम है, क्योंकि मेरी जरूरतें कम है। ए, 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 चल चल अंदर चल, जमीर वाली चल 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 चलो भाई, बड़ी जमीर है, जमीर की चाची।
सुनिए, मैं भी जरा अभी पेट्रोलिंग करने जा रही हूँ और मैं बहुत सारा खा के लौटूंगी, आपको कुछ चाहिए? एक काम करना, मेरे लिए माँ की दाल और बाप के चावल ले आना, फटाफट। ओके इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरा रिपोर्ट लिखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हूँ आजकल, मैं क्या बताऊँ आपको, इस मोह माया से तंग आ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ चलो कहीं पहाड़ों पे चल के एक एक कप गरम गरम बियर पीते हैं। लेकिन बियर तो चिल्ड पीते हैं ना? नहीं, पता क्या, पहाड़ भी चिल्ड होते हैं, बियर भी चिल्ड, पी लिए मामला कहीं चिल्ड आउट ना हो जाए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। एक्चुअली क्या, मेरा बॉयफ्रेंड खो गया। ओहो, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कहाँ खोया आपका बॉयफ्रेंड? एक्चुअली हम लोग बाहुबली 2 देखने गए थे। अच्छा, बाहुबली देखने गए थे, तो बताइए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अगर आपको जानना है ना तो जाके देख कर आइए। 500 रुपए की टिकट मैं क्यों जाऊँ? एक काम करिए ना, आप लो 10 रुपए, मेरे को वैसे बता दो क्यों मारा था। कटप्पा ने बाहुबली को अपनी माँ के कहने पर मारा था। तो घर की बात होगी ना, 10 रुपए किस बात की, बैठिए, ये तो गलत बात है। अच्छा ये बताओ, टिकट के पैसे किसने दिए थे? बॉयफ्रेंड ने। अच्छा, शो हाउसफुल था? हाँ। ओके, कॉर्नर वाली सीट मिली थी ना? तो लड़का गायब नहीं हुआ, भागा है। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है? देखिए इतने पैसे उसने खर्च किए टिकट विकेट के, पॉपकॉर्न के, कॉर्नर वाली सीट नहीं मिली तो मजा फिर कहाँ, किस बात का? अरे लेकिन हम तो गए थे फिल्म देखने के लिए ना, सीट कोई भी हो उससे क्या? ऐसे कैसे सीट कोई भी हो उससे क्या? तुम्हारे पति को पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग गया? अब जब शादी ही नहीं हुई तो पति कहाँ से आया? शादी से पहले बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो? अरे लेकिन शादी के पहले ही बॉयफ्रेंड होता है। मेरी तो शादी हुई नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो कोई भी नहीं है। लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं। लड़कियों के होते हैं, तो लड़कों का क्या होता है? लड़कों का गर्लफ्रेंड होता है। अच्छा, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। तो फिर रिपोर्ट आगे बढ़ाएं कि रिश्ता? क्या बोलती हो? मैं बात आगे बढ़ाते हैं, मैं मीडिया को बुलाती हूं। मीडिया को क्यों बुलाती हो? मीडिया के आई बैठिए, ढूंढ देते हैं आपका पति, इसमें परेशानी क्या है? बॉयफ्रेंड आप जो भी है, बाद में तो बनेगा एक नहीं। तो रिलेशनशिप को कितने साल हो गए? 4 साल। तो वही वाला चाहिए कि नया वाला ढूंढ के दूं? नया वाला क्यों, मुझे वही वाला चाहिए। वही वाला चाहिए, मैं तो कहता हूँ दही वाला ले लो। भाई आप परेशान क्यों हो रही हैं, वही वाला ढूंढ के देंगे आपको। हेलो बेबी, मिला क्या? हेलो, हाँ मैं नेटवर्क एरिया में आ रही हूँ। हेलो, ओहो चलो छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, चल चुपचाप, अरे मुझे छोड़ो, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये डुप्लीकेट अक्षय कुमार जैसा दिखने वाला कौन है? अरे मुझे क्या पता कौन है, ये बाहर खड़ा था, मैं ले आई इसे। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आप ये बताइए कि बाहर खड़े होने में जुर्म क्या है? देखो तुम बाहर खड़े थे। हाँ। एकदम सुनसान था ना। हाँ। फिर कोई लड़की आती, तुम हाँ। लड़की को छेड़ते। देखिए जुर्मों से पहले ही पकड़ लिया मैंने, जुर्म खत्म कर दिया। बहुत अच्छा, अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। इतने बड़े लौंडे हो के कुछ नहीं करते, हमारे देश की प्रॉब्लम यही है, देश इसलिए तरक्की नहीं कर रहा, लाना था तुम जैसे जवानों पर। सर मैं न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, जिस चीज की देश में कमी चल रही है उसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस क्यों नहीं कर लेते तुम? सर बिजनेस के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ तो कोई जॉब कर लो ना। वही तो करने आया हूँ। वही तो कब करोगे, जब उम्र निकल जाएगी तब करोगे? घर में बेचारी बूढ़ी माँ बैठी है, बच्चा इतना बड़ा होएगा, 2 पैसे कमाएगा, और ये देखो। एक्सक्यूज मी सर, मेरे घर में माँ है लेकिन वो बूढ़ी नहीं है। ओहो, यानी तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी की है। पापा क्यों दूसरी शादी करेंगे, पापा ने एक ही शादी की है, और मेरे माँ बाप अगर फिट है तो मैं क्या करूँ? अच्छा माँ बाप सब कुछ करे, तुम कुछ नहीं करोगे? काम क्यों नहीं करते जाके, आइसक्रीम बेचा करो। अरे मैं क्यों आइसक्रीम बेचूं? मेरे पिता का सपना था कि मैं पुल बनाऊं। लेकिन पुल तो सरकार बनाती है। हाँ? ओहो, तो तुम सरकार का काम करना चाहते हो? आज कह रहा है पुल बनाएगा, कल कहेगा कि मैं नोट छापूंगा, कत्तार। एक मिनट बम्पर, अभी के अभी मीडिया को फोन लगाओ, उनको बोलो नकली नोट छापने वाला 3 साल पहले गिरफ्तार किया हमने। चलो उठाओ, लगा रही हो? बेवकूफ, ऐसे करी थोड़ी करते हैं, तलाशी लो इसकी पहले। एक सेंट, ये तो मेरे घर का सामान है, और एक सेंट, आप ऐसे कैसे किसी की तलाशी ले सकते हो? इसका फोन छीनो, फेसबुक पे स्टेटस इसका चेंज करो, लिखो एंगेज्ड। अरे अरे पैसे क्यों निकाल रहे हो, पैसे क्यों निकाल रहे हो सर? पैसे नहीं निकालेंगे तो हम अपने आपको तनख्वाह कैसे देंगे? लाइए बम्पर, एक काम करो, इसको अंदर डाल दो,
छोटा सा मुक्का मार देना ताकि अगर होश में रहा तो चाय मांगेगा। चलो अरे अरे सर, चलो अंदर चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बता रहा हूँ। चलते चलते मुक्का मारो इसके। सर सर मुझे जेल में। चलो लीजिए, देखिए मेरी तो आज की सैलरी का इंतजाम हो गया। हाँ बस अब आपकी सैलरी आ जाए तो आज थाना थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, जो हमारा सामान चोरी हो गया। बधाई हो, मेरी सैलरी भी आ गई। आइए। हमारा सामान चोरी हो गया और आप लोग हमें बधाई दे रहे हो? देखिए एक बहुत सयाने आदमी ने कहा है कि जिंदगी के हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बैठिए इधर। जो यहाँ लबेड़ हो गई है और तुम दोनों चिकाई ले रहे हो? क्या चटाई ले रहे? नहीं, चटाई नहीं कह रहे हम। तो क्या चिकाई? हाँ चिकाई, चिकाई यानी कि मजे मजे ले रहे हो। नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, आप आराम से बैठिए, बताइए आप क्या लेंगी, चाय कॉफी या चिकाई? जे, जे चाय कॉफी ना चाहिए, चिकाई ना चाहिए। जी लंच टाइम हो रहा है तो लंच मंगवा दो एक थाली। ये देखिए ऐसा, ये थाना जैसा लग रहा है ना एकदम। हाँ? ये सब थाना कैसे लगा रखे हैं, बंदूक बंदूक है, ये सब पूरा जेल वेल है ना, तो ये थाना ही है। सॉरी जी, गलती हो गई जी, हम का करे, कानपुर से आए तो कितना कुछ हो गया हमारे साथ, पहले हमारा सामान चोरी हो गया और जी आपकी मुंबई में इतनी इतनी गर्मी भी तो है ना कि हमारे दिमाग का दही हो गया। जी दरोगा साहब जी, अगर एक चील्ड बियर मिल जाए तो बस सब ठीक हो जाए। बंपर तो चकना भी मंगा लीजिए साथ में। हाँ, बियर आई सुनो, नींबू नींबू डलवा देना और साथ में वो क्या कहते हैं जी, प्याज भी डलवा देना, हरी मिर्ची। हाँ मजा आ जाएगा सर, तरबूज ना निचोड़ दूं मैं। हाँ जी भी ठीक है। बंपर अगर अगर तुमने फालतू की बकवास की ना, मैं तुम्हारा मुंह उतार के तिजोरी में रख लूंगा, समझ में आया बेवकूफ। अब बताइए आपका सामान गायब कहाँ से हुआ? कानपुर एक्सप्रेस से। कानपुर एक्सप्रेस आ गई? हाँ जी, तो कभी की आ गई। ओहो, मुझे बुआ को लेने जाना था। एक काम करो तुम, इनको चाय पानी कुछ ना पूछना, मैं लेके आता हूँ। वो तो ठीक है लेकिन हम तो सामान बेचते ही नहीं है। जी हम कौन सा सामान खरीदने आए हैं? जी हमने तुम्हें बताया ना कि हम कानपुर मेल से आ रहे थे, भुसावल आया तो हमारी आंख लग गई। किससे लग गई? जी ज्यादा नेता बनने की कोशिश ना करना, नहीं तो भूखार पर ऐसा मरेंगे कि देखते रह जाओगे। हमने बोला हमारी आंख लग गई मतलब नींद आ गई। जी आंख खुली तो मुंबई स्टेशन आ गया, तो हमारे सामान को लेकर चला गया। देखिए 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 ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आपका सामान मुंबई आना ही ना चाहता हो जी। वो भोपाल में ही उतर गया हो। कि सामान अपने आप उतर जाता है? अरे हैंगओवर अपने आप उतर सकता है तो सामान क्यों नहीं उतर सकता है? वैसे आप एक बात बताइए कि आपके सामान में क्या क्या था जी? हाँ जे हमारे सामान में 4 साड़ी, 2 पेटीकोट, 1 तौलिया और जे खाने पीने का सामान। लेकिन 4 साड़ी के साथ 2 ही पेटीकोट क्यों? अच्छा सफेद और काला सबके साथ चल जाता है ना, वही तो करते हैं सब लड़कियां। सही है। वैसे एक बात बताइए, ये जो आपके पास इतना सारा सामान था तो आप मुंबई क्यों आई? छुट्टी मनाने के लिए गोवा ही चली जाती, मजा आ जाता। हमारी बिटिया जो है ना वो मुंबई में रहती, तो हम गोवा कहाँ जाएंगे? एक बात बताओ, खुद इतना सारा सामान लेके आती हो, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई? बच्चे बेचारे मदर्स डे पे फोटो खींच खींच के मां की एडिट कर करके डालते हैं कि आई लव यू मदर, पर खाली हाथ आ गई, बिटिया के लिए कुछ नहीं लाई। नहीं हम लाए माँ की हाथ की मठरिया। अच्छा वो भी अपनी माँ के हाथ से बनवा के लाई, खुद नहीं बनाई। आलसी औरत, ऐसी औरतों से तो अच्छा है भगवान सारे के सारे मर्द बना दे। जी आप सबको मर्द बना दोगे तो औरतें कौन बनाएगा? नहीं नहीं उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए एक बंदा है यहाँ पे। बस हमारा सामान दिला दो, नहीं तो ऐसा रायता फैलाएंगे जो तुम समेटे ना समेट पाओगे। रुक जाइए एक मिनट, जरा बताइए आपके पास चोर की कोई फोटो है? हे भगवान, जे इन लोगों को कौन समझाए कि चोर की फोटो हम कहाँ से लाए? अच्छा वैसे तो 50-50 सेल्फियां लेके फेसबुक पे डालती हूँ, करवा चौथ वाले दिन चोर के साथ एक फोटो नहीं खींच सकती थी? अपना फेसबुक अकाउंट चेक करवाओ, किस नाम से? एंजल प्रिया। तेरी टॉप वे 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 ये क्या कर रही? एंजल एंजल नाम बनता है इनका? ये क्या कर रही हो? बंदूक को लग जाएगी। आपका नाम ना रामलाल होना चाहिए, रामलाल। देखिए आपके पास ना सामान की फोटो है ना चोर की फोटो है, किसी की फोटो दिखाओ, कोई हीरो हीरोइन की दिखा दो, मैं मजा ही आ जाए। हमारे पास हमारी बिटिया की फोटो है, देखो मिस कानपुर रह चुकी है।
बिटिया तो आपकी बड़ी खूबसूरत है, इस केस की पूरी तफ्तीश करनी पड़ेगी, हो सकता है पूरे सबूत इकट्ठा करने के लिए मुझे 2-3 महीने आपके घर में रुकना पड़े। क्या बकलोली हो रही है? थानेदार साहब क्यों रहेंगे ले जाकर हमारी लड़की के घर पे? हमारे बिटिया के घर में तो जगह भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी बड़ी माँ को रख सकती है वो? पति को रख सकती है, और एक पराया मर्द नहीं रह सकता उधर? पराया मर्द क्यों रहेगा उसके घर में? एक मिनट, जब अपनी बेटी की शादी की थी तो वो क्या सगा मर्द था उसका? पराया मर्द था ना, तो फिर हम नहीं रह सकते हैं क्या? वो कहावत नहीं सुनी आपने कि सास भी कभी बहू थी? उस कहावत का इस केस से क्या लेना देना? तो आपके केस से हमारे केस से क्या लेना देना? सामान आपका चोरी हुआ है, चोरी चोर ने किया है, आप इधर आई कि नहीं आई? एक मिनट रुक जाइए, जरा साफ साफ बताइए कि आपका दामाद जो है वो काम क्या करता है? बैंक में काम करता है। उसको फोन करके जरा पूछो, 500-1000 वाले नोट बंद क्यों कर दिए? उसने बंद ना किए, वो बैंक में नौकरी करता है। नौकरी? नौकर आदमी से अपनी बेटी की शादी कर दी, दो दो स्टार वाला इंस्पेक्टर यहाँ पे खड़ा, उनका आपको ध्यान ही नहीं कोई? हे भगवान जी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सर है ना वो कढ़ाई से भी ज्यादा गर्म हो रहा है। जिस आदमी से तो मुझे बात ही ना करनी, जो तुझसे भी ना बात करनी, हम कमिश्नर को फोन लगाएंगे बस। हेलो, कमिश्नर सल्ला स्पीकिंग। जी, कमिश्नर तो बलवंत राय था। बलवंत राय के तो कुत्ते होते हैं। देखिए, जो बलवंत राय थे वो जेंट्स कोटे के कमिश्नर थे, ये लेडीज कोटे के कमिश्नर है। कमिश्नर साहब, चलिए आपका गश्त का टाइम हो गया, फटाफट निकलिए गोली की तरह, चलिए। जी, कैसे हो सकता है? थानेदार कमिश्नर को आदेश दे रहा है, ये कमिश्नर आदेश ना देगा? चलो पोस्ट चेंज कर लेते, देखो आज से मैं कमिश्नर, तुम इंस्पेक्टर, चलो। ओके सर। जी, ऐसा यहाँ ये हो जाता है? हाँ, हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है, हमारे तो 1-2 बार चैनल भी चेंज हुए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बॉयफ्रेंड मिला? आजकल बॉयफ्रेंड्स कहाँ मिलते, हम तो कब से अपने लिए ढूंढ रहे हैं। और इनके इलाज के लिए हम एक डॉक्टर भी ढूंढ रहे हैं। जे बॉस, अगर जे मेरा सामान ना मिला ना तो महेंद्र बाहुबली। आपको लगाना ही है तो कोई चाट पकौड़ी की दुकान लगाइए, हम भी खाएं, मजा है। ये क्या? पानी, पानी। शट अप, इधर चोरी होगी, तुम पानी बेच रहे हो। मैं पानी बेच पी रहा हूँ, प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। बेबी तुम है? बेबी देवी तुम, मुझे पहले ये बताओ मेरे बेबी को अंदर किस जुर्म में डाला है? चोरी की है इसने। चोरी की है। जी, तुम चोर हो? हाँ, हूँ मैं चोर। एक मिनट, हूँ मैं चोर, लेकिन मुझे चोर बनाया किसने? किसने बेबी, किसने? इस लड़की ने, इस लड़की के खर्चों ने, इस लड़की के मोबाइल के रिचार्ज ने, इस लड़की की शॉपिंग की डिमांड ने मुझे चोर बनाया। जी, लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, जी आजकल की लड़कियां ना जी लड़कों को चोर बना ही देती है। अजय, इतना रायता फैलाएंगी तो जय तो होगा। आप अपना रायता संभाल के क्यों नहीं रखती है, हर 10 मिनट बाद फैला देती हैं आप रायता। जी, रायता और हुस्न तो संभालो ना संभलता। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, बिल्कुल सही कहा। सरला, तुम तुम कौन हो? मुझे एक इम्पोर्टेंट डेट माननी, मैं चलती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ चली? इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही धोखेबाज औरत है, भोले भाले लड़कों को फंसाती है, पिक्चर देखती है और महंगे महंगे पॉपकॉर्न खा जाती है। झूठ बोल रहा है। तो तुम कौन सी हरिश्चंद्र की औलाद हो? मैंने सुना है फोन पे बहुत लड़कों से बातें करती है ये। जी, हो सकता है ये लड़का सही बोल रहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती है। थैंक यू मेरी फीलिंग समझने के लिए, मैं आपके लिए मिठाई का पैकेट लेकर आया हूँ। जी लीजिए मिठाई। जी, तो कानपुर की मिठाई लग रही है जी, डब्बा भी देखो हमारे मिठाई वाले। ये जी कानपुर के हो? हाँ, आपकी बेटी की शादी करवाओगे मुझसे? साड़ियाँ भी लेकर आया हूँ मैं। जी साड़ियाँ तो दिखी दिखी लग रही है जी, लगता है हमारे साथ जी सामान भी हमारा ही है। ओहो, यानी केस सॉल्व, तो दिन रात कड़ी मेहनत करके आखिरकार हमने केस सॉल्व कर ही दिया। कांग्रेचुलेशन सर, हमने केस सॉल्व कर।
कर दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज पहली बार हमारी सोसाइटी में हमने कोई सही काम किया है, वो भी अंत में बिना भागे। बिल्कुल। सोचो नकली पुलिस बन के हमने केस सॉल्व कर दिया, असली होते तो। नकली पुलिस। एक मिनट, देखो बंपर, ये जो तुमने लाइन बोली ना कि बिना अंत में भागे हमारा केस सॉल्व, उसको मुझे लगता है थोड़ी नजर लग गई। तो बहन जी ऐसा है कि थोड़ी थोड़ी जगह मिलेगी, तो चलो फिर निकलो। देखो आपकी साड़ी। अरे जब आदमी की हालत बड़ी क्रिटिकल होती है तो वो आईसीयू में जाता है, और जब प्यार में किसी की हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है वो आईएलयू में जाता है। आपको पता है आईएलयू मतलब? आईएलयू मतलब इल्लू इल्लू। इल्लू मतलब आई लव यू। सौदागर ने देखी आपने, पूरे हिंदुस्तान को जिन्होंने इल्लू इल्लू का मतलब सिखाया, आज वो खूबसूरत एक्ट्रेस जो है हमारे बीच आ रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज वेलकम मनीषा कोइराला। आपको देख के इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, मतलब कभी लाइफ में इतना हुआ नहीं। रियली? इतनी मैंने आपकी सारी फिल्में देखी हैं और आप इतनी खूबसूरत लगती हैं हमें। अभी शेर आएगा देखना अभी। है अभिनय की चांदनी, रूप की सादगी कमाल है, वाह, चेहरे पे ऐसी लाली मानो रंगे गुलाल है। वाह। जो गमों के अंधेरे में जिंदगी का उजाला भर दे, आप चुनौतियों से लड़ने वाली बुलंद हौसले की मशाल। क्या बात है मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, कृतार्थ करें। मनीषा जी सबसे पहले तो आपको डियर माया के लिए ढेर सारी मुबारकबाद, बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमने ट्रेलर देखा उसका जी। हालांकि उसके आगे डियर ना भी लगा होता तो वैसे भी आप डियर ही हैं, हिंदुस्तान की फेवरेट रही हैं। फिल्म के बारे में बताइए मनीषा जी। बेसिकली ये कहानी है एक मिडिल एज औरत की जो कि एक हवेली के अंदर बंद रहती है बहुत साल तक, और टू यंगस्टर्स दे डू अ प्रैक्टिकल जोक एंड उसके बाद वही कहानी जो शुरू होती है, एंड शी एक्चुअली बिलीव्स दैट समबडी लव्स हर एंड द स्टोरी अनफोल्ड्स आफ्टर दैट। पर बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा पहले कभी नहीं हमने देखा, आपको ढेर सारी मुबारकबाद उसके लिए। निशा जी आपके करोड़ों फैंस हैं, इतनी ज्यादती क्यों, मतलब आप इतनी देर बाद क्यों हैं? आप योगी जी के सीएम बनने का वेट कर रही थी आप। इतनी समय बाद क्यों आई आप? Now, I was waiting for the right script. Also, I had to recover completely and all that. पर मनीषा जी ने एक बीमारी का सामना किया और उससे लड़के आज हमारे सामने एकदम तंदुरुस्त हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कभी भी आपको कोई दुख ना पहुंचे, और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं मैम। थैंक यू सो मच। मैम आपके आपके दादाजी प्राइम मिनिस्टर थे ना नेपाल के? जी। तो आपकी फैमिली में और भी दो लोग मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जी। So, yeah, I come from a political family. एक फैमिली में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर, आपके तो टिफिन पे भी लाल बत्ती लगती होगी कि नहीं? अच्छा फिर तो आप पे स्कूल कॉलेज में तो कोई लाइन ही नहीं मारता होगा प्रधानमंत्री की फैमिली से? होते थे, but I think I had a security with me and so that wasn't। कहाँ बंदूकों के सांव में प्यार निकलता है किसी को देख के? नहीं, हम तो कभी जुर्रत ही ना करें। पर मैं किसी प्रधानमंत्री की फैमिली में से किसी को पहली बार मिल रहा हूँ। मैं पहले डर रहा था कि मैं बैठूं कि नहीं बैठूं या दूर उसके कोई कुर्सी लगा लूं, पर बहुत ही चिल्ड आउट है मनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मनीषा जी ऐसे ही बच्चों वाला सवाल है, बच्चों ने पूछा था ये जो बैठे हुए हैं कि जैसे बोलते हैं कि जैसे हमारे दादा बचपन में हमें ऐसे घोड़ा बन के पीठ पे घुमाते, आपके तो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, वो तो नहीं ऐसे करते होंगे आपको खिला, उन्होंने तो ओरिजिनल घोड़े लेके दे दिए होंगे। ये सुनने में लगता है प्रधानमंत्री एंड इट मस्ट बी लाइक रियली ऑल दैट जैज, बट बहुत ही सिंपल रही मेरी परवरिश, बहुत ही सिंपल रही, ऐसा कुछ तामझाम शाम ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम क्या कह सकते हैं। तो फिर आपका फिल्मों में आना कैसा हुआ, सारी फैमिली तो पॉलिटिकल आपकी? हाँ जी, आई थिंक आई वाज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। सो मैंने अपनी दादी से कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है, तो शी अग्रीड
बिकॉज उनकी भी शायद बचपन में ख्वाहिश थी कि शी वुड गेट इनटू मूवीज एंड हर डेज. तो फिर आपकी दादी जी के कहने पे मतलब वो मान गई? हाँ, उनको एक बार मना लिया मैंने तो फिर बाकी चुप थे. तो उसके बाद फिर फिल्मों में मतलब बॉलीवुड में कैसे आना हुआ? आई केम हियर, माय मदर इज हियर. नमस्कार मैम, मनीषा जी के मम्मी जी यहाँ पे मौजूद हैं. मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक्स फॉर कमिंग मैम. तो फिर मम्मी ने आपको मम्मी को मैंने एक्चुअली इमोशनल ब्लैकमेल किया था. अच्छा. कि बर्थडे प्रेजेंट मुझे चाहिए, आप मुझे बॉम्बे लेके चलिए. और मम्मी की एक दोस्त थी मीना अय्यर कह के, और उनको उनसे मैंने बात करी थी कि मीना दी मुझे बॉम्बे में अच्छे डायरेक्टर्स वगैरह से मुलाकात कर रहे. तो मम्मी और मैं दिल्ली से बॉम्बे आए थे. ओके. एंड देन वी मेट कपल ऑफ फिल्म मेकर्स एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. तो बहुत कमाल की शुरुआत की आपने. अच्छा, 1991 में सौदागर से डेब्यू किया था ना आपने? जी. तो सौदागर में सुभाष जी साहब की फिल्म थी सौदागर, बड़ी खूबसूरत फिल्म, इल्लू इल्लू सी में था. उसमें राजकुमार साहब और दिलीप कुमार साहब जैसे दिग्गज कलाकार थे. yes. तो उन्होंने खुद 30 साल बाद एक दूसरे के साथ काम किया था उस फिल्म में. तो मनीषा मैम, आप उसमें नर्वस नहीं हुई उनको देख के? एक्चुअली मैं इतनी यंग थी और मुझे फिल्मों के बारे में कुछ ज्यादा मालूम ही नहीं था. अच्छा. तो आई वॉज क्वाइट फियरलेस. जब बाद में लोगों ने मुझे ये बोला कि अरे तुम इतने दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हो, उसके बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे लगा अरे बाप रे, यू नो दैट वाज क्वाइट अ ब्रेक वी गॉट. बट इनिशियली आई हैड नो आइडिया. पर कमाल की शुरुआत थी आपकी, पहली फिल्म सुपर डुपर हिट रही आपकी. तो आपकी दिलीप साहब से, राजकुमार साहब से सेट पे बात होती रहती थी? जी बिल्कुल, काफी आशीर्वाद दिया, काफी प्यार करते थे वो लोग. दिलीप साहब से तो मेरी एक बार मेरा सौभाग्य था, मैं उनके साथ मुलाकात हुई मेरी. राजकुमार साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब बड़े ही उनका अंदाज बड़ा निराला था. एक बार तो कहते हैं कि जीनत अमान जी को किसी पार्टी में मिले, वो ऑलरेडी हिट हो चुकी थी, तो उनको देख कहते हैं इतनी खूबसूरत तो फिल्म में काम क्यों नहीं करती. ऐसे बोल देते थे. तो वैसे सेट पे भी वो मस्ती मजाक करते थे, क्योंकि मैं कभी मिला नहीं था इसलिए क्यूरियोसिटी. या आई थिंक ही वुड से समथिंग लाइक दैट. एंड आई एक्चुअली डू रिमेंबर, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस बट आई वुड, I was doing another film with him, and in a row, one or two film of mine had flopped. My nature was, I was always a quiet person on set. So he said ki, tum pareshan isliye ho ki film mein flop ho gayi hain, bete, picture to ye bandar banate hain, tum nahi, tum to, he meant the director, and the director was right in front of us. So बिंदास थे वो. Yeah, I was always very nervous in front of him. I don't know what would he would say. Actually, किसी के सामने कोई बात कह दो तो वो कोई बुरा भी नहीं मानता, पीठ पीछे करो तो बुरा लगता है. अच्छा भाजी, लड़कियों की जब तारीफ होती है उनको बड़ा अच्छा लगता है. जावेद अख्तर साहब तो इतना प्रभावित हो गए मनीषा जी की खूबसूरती को देख के, उन्होंने गाना लिखा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शायर का ख्वाब, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण, और वो लिखते ही गए. एक्चुअली गाने में पहले इतनी लाइनें नहीं थी, तो उनको देख के उन्होंने 5-6 पेज का गाना लिख दिया. जावेद अख्तर साहब ने तो मनीषा जी के लिए लिखा. मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, आपकी अपनी पर्सनल बीवियाँ हैं जो, या अपनी गर्लफ्रेंड हैं, आप उनके लिए मैक्सिमम कितनी बातें बोल सकते हैं? कोई है यहाँ पे हमारे दोस्त? अच्छा मैडम, महिला ने हाथ खड़ा किया है, इनके लिए जोरदार तालियां. मैं अपने हस्बैंड के लिए बताऊंगी. हस्बैंड आए हैं साथ में आपके? जी बिल्कुल. अच्छा, कैसे हैं जी आप? नमस्कार जी. तो इनके लिए मैक्सिमम आप कितनी लाइनें बोल सकती हैं ऐसी? मैं गाना गा के बताऊंगी ना. प्लीज प्लीज. मेरे हस्बैंड को देखा तो ऐसा लगा जैसे सलमान खान, जैसे शाहरुख खान, जैसे ऋतिक रोशन, जैसे अजय देवगन. और आगे जैसे सर अजय देवगन तो इनको पूरा मोहल्ला बोलता है. नहीं और अरे उसके क्या आगे? बात है. जैसे आप भी उनकी काजोल है. पर सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी. ये मुझे हमेशा उल्टा, मुझे कभी रेड ड्रेस में हुई ना तो मुझे बोलते हैं टमाटर है जैसी दिख रही है तू, या कभी ऑरेंज ड्रेस में हो तो संतरे जैसी दिख रही है. आज तो मुझे आलू बोला इन्होंने. जी आलू बोला आज. आप सब्जी मंडी में काम करते हैं? अपनी बीवी को आलू संतरा कौन बोलता है? नहीं, जिसको आलू के पराठे पसंद होते हैं वो आलू बोल देता है. पर भाई साहब तो लगता नहीं ज्यादा पराठे भी खाते हो. कहाँ से आए सर आप?
अकोला से सर। मुंबई में ही है? नहीं सर, नागपुर के पास में। नागपुर के पास? तभी तो नहीं संतरा संतरा बोलते थे आप बीबी को? नागपुर के संतरे बड़े फेमस है। क्या करते हैं सर आप? मेरा फार्मास्यूटिकल होलसेल है। अच्छा जी, तो दवाइयों के नाम ले लिया करो। आपको अगर अपनी वाइफ के लिए चार लाइनें, पांच लाइनें कुछ बोलनी हो तो क्या बोलेंगे आप? सर 22 साल हो गए शादी को, रोज 22 साल में 11 लाइनें बोल दो। रोज शाम को फोन आता, कभी आलू लाओ कभी भिंडी लाओ, इसीलिए आप बोलते हैं। तो रोज ये जो भी ड्रेस पहनती है कलर का वो नाम बोल देता हूँ। पर वो उन्होंने कितना स्वीटली आपके लिए गाना गाया, आपने कुछ नहीं है? नहीं सर, दिल भी नहीं करता। चलिए शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। हाय, वो आपकी वाइफ ही है ना? सॉरी, वाइफ है सर। पहले ही हंसने लगी हुआ था। जी कुछ भी अपनी वाइफ के लिए। मेरी पूजा को देखा तो ऐसा लगा जैसे वड़ा पाव है, जैसे कांदा पोहा है, जैसे गुलाब जामुन, जैसे काजू कतली, जैसे अपनी। ओ गुरु, ओ गुरु, तू अपनी घरवाली को कांदा बोल रहा है? मैं तो हैरान रह गया हूँ यार। हर दो दिन के बाद कांदा बोया खिलाते हैं। कांदा तेरे को पता है, an apple a day keeps the doctor away and onion a day keeps everybody away। पूजा जी कहाँ से हैं आप दोनों? चेंबूर। चेंबूर से? आप बात खुल के हंसती हैं, आपको हंसाते हैं घर में? बहुत। अच्छा, काम वाम नहीं करते? करते हैं। शादी आपकी लव मैरिज हुई क्या है? लव विद अरेंज। लव विद अरेंज, क्या बात है। तो ऐसे घर पे भी कभी कभी सुनाते हैं हमको गाना वाना का? नहीं सुनाते हैं। सुनाते हैं? ऐसा लगा, ऐसा लगता है इसको चाबी दे दिया। अच्छी बात है, खुश रह रहे। रुक जा मोटर पर, रुक जा, नहीं तो मेरी दुकान बंद करेगी क्या? यार अच्छा, हंस हंसी खुशी में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हंस के दिखाओ। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल, मनीषा जी ने हमारी इंडस्ट्री के तीनों सुपरस्टार जो खान हैं उनके साथ काम किया, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करके आया? I enjoyed working with everybody. आपको पता है जब आपकी गुप्त फिल्म आई थी ना, तो हमारे तब नया नया वो शुरू हुआ था डॉल्बी सिस्टम अमृतसर में। मजा आ गया था आपको देख के, जब आप स्क्रीन पे आई ना, वो आता था बड़ा मजा आता देख के। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने बैठी हुई है। और वो काजोल इनको छुरे से मारती, मेरे मन में यही था कि यार मुझे अच्छी तो काजोल भी लगती है, कहीं लग ना जाए, क्योंकि इतना वो कंसर्न होता था। पर बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको सामने देख के। थैंक यू। याद रखना प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है। हेलमेट पहन के बैठ जाऊं मैं? अच्छा, हमारे जो फिल्म स्टार्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे वो पर्दे पे दिखते हैं, शायद वो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं। जैसे आमिर सर हमारे शो में कभी नहीं आए, तो क्या आमिर सर रियल लाइफ में भी ऐसा कहते हैं? ओ यार तेरी, ओ हर बात से पहले तो नहीं करते होंगे ना? नहीं, आई डोंट है ना? जैसे नाना पाटेकर साहब हैं, वो भी हमारे शो पे कभी नहीं आए, तो कभी जाने का मौका नहीं मिला कि अगर उनको कोई चीज पूछो कि सर बाहुबली देखी कैसी लगी, तो ऐसे कहते अच्छा है, ऐसा होता है। ऐसे नॉलेज के लिए। आपको पता मुझे नाना पाटेकर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब अग्नि साक्षी में उन्होंने आपको ऐसे, मतलब फिल्म में ऐसा किरदार था कि शक्की पति होता है ये वो, मुझे बड़ी नफरत हुई थी उनसे। बाद में मिला तो मुझे लगा यार तो बड़े अच्छे आदमी है। पर होता है, आपको आपको प्यार हो जाता है आपके जो चहेते हीरो हीरोइन होते हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी कपिल। थैंक यू। कुची रखूंगा अच्छी अच्छी गुड़िया, कुछ कुछ रकमा पास आई ना, हर प्यारी प्यारी गुड़िया ना देना, सारा जहां सो गया, चांद कहीं खो गया, कुछ कुछ रकमा। एक मिनट, मुझे मालूम था मनीषा जी एक बार मुझसे मिलने जरूर आएंगी। थैंक यू मनीषा। ये किसी बच्चे का धनुष मुंह पे रख के आ गए आप। मनीषा जी आपको याद है मन फिल्म? मन फिल्म। Absolutely, मैं पागलों की तरह आपके पीछे घूमता फिरता था। आज तक इलाज नहीं कराया इन्होंने, आज भी पागल ही हैं आप। आज बड़ी जुबान चल रही है आपकी, मौसी का पता ना आपको? देख, इफ यू डोंट माइंड, मेरी और मनीषा जी की एक छोटी सी बिजनेस मीटिंग है, तू जाना चॉकलेट खा करा। मेरी चॉकलेट खाने की उम्र है? अबे लॉलीपॉप जैसे मौसा जी बैठी इधर, ये मैं चॉकलेट खाने की उम्र है मेरी? अरे चॉकलेट तो कभी भी खा सकते हैं यार, दिल चॉकलेट होना चाहिए। क्यों सिद्धू जी?
मनीषा जी, एक्चुअली ना ये ट्विटर की चिड़िया जैसे मेरे मौसा जी हैं, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला ये काम क्या करते हैं। अरे तो मैं समझाता हूँ ना मनीषा जी, क्या है कि अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का काम करता हूँ। पिछले दिनों वो जस्टिन बीबर आया था ना इंडिया में, उसका सारा मैनेजमेंट मैंने देखा। हाँ, इन्होंने मैनेजमेंट देखा, फिर मैनेजमेंट ने इनको देखा, उसके बाद में ये कपड़े झाड़ के खड़े, इधर उधर देखा भी मुझे किसी ने, देखा तो नहीं, क्यों झूठ बोलते रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मनीषा जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ। वो मैसेज नहीं आते व्हाट्सएप पे, इस मैसेज को इतना फैलाओ शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ये वही काम करते हैं ये। और फेसबुक पे तू फेक आईडी वाली लड़कियों से चैटिंग करता है, उसका भी तो बता। मैंने कब की? एंजल निशा मेरा फेक आईडी है। आपको शर्म नहीं आती इतने बड़े हो के आप लड़की बनते? तुम बनाते हो क्या? हाँ, वो कोई पुण्य का काम है? अरे मनीषा जी, ईगो बिल्कुल भी नहीं है मुझ में। आप मुझे काम दीजिए, मैं आपकी स्क्रिप्ट देखूंगा, आप जो फिल्म साइन करेंगे उसके कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। क्या मदद करेंगे आप? अरे पेन ला के दूंगा और क्या। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए पेन बहुत जरूरी होता है। बाहुबली फिल्म में राजा मौली पहले ऋतिक को साइन करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे पेन ही नहीं मिला। मौसी मौसी। अरे क्या मौसी मौसी यार, मैं किसी मौसी समोसी को नहीं जानता। यहाँ अप्सरा से बात कर रहा हूँ और तू चुड़ैल की बात कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक तो कप्पू हो जाएगा, बाकी तीन लोग और लगेंगे। तुम कब आई? मतलब और तीन आदमी क्यों चाहिए? जैसी आप बात कर रहे हैं ना, अपने पैरों पर जाना तो आपके लिए संभव होगा नहीं है? शमशान ले जाने के लिए चार लोग तो लगते हैं ना। ऐसी बात मत करो, पति हूँ तुम्हारा मैं। पति नहीं हो, पनौती हो आप मेरी। हेलो मनीषा जी, हाउ डू यू डू? ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। देखिए मेरी किस्मत, लोगों को अपनी जिंदगी में बेटर हाफ मिलते हैं, मुझे क्वार्टर हाफ मिला है, क्वार्टर। अच्छा 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 अच्छा, मजा आ गया। अच्छा है, लेकिन तुम मायके से कब आई? मैं मायके कब गई थी? सिद्धू जी, इन्होंने ना मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था। हाँ तो बाथरूम जितना तो मायका है इनका। आपका तो जैसे 4-bedroom हॉल का फ्लैट है। इन्होंने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले कहने लगे हमारा बहुत बड़ा खानदान है, वहां मैं गई तो पता चला इनका परिवार ही 60 लोगों का है, पैसे लेकर रैलियों में जाते हैं ये लोग। हम खानदानी लोग हैं, बिरादरी ऊंची है हमारी। शक्ल देखो बिरादरी के चौधरी की, 12 दरिया है इनके घर में, उसे 12 दरी कह के खुश होते रहते हैं। समझ नहीं आता, शादी करके मैं बीवी घर पे लाया हूँ या कटप्पा? जब देखो इस बाहुबली की पीठ पे खंजर मारती रहती है। ओए मेरा छोटा सा दूल्हा नाराज हो गया। पति पत्नी में मजाक चलता है, जितनी लड़ाई होती है ना उतना ही प्यार बढ़ता है ना सिद्धू जी? नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज ऐसा बोलो ही मत, लड़ाई से प्यार बढ़ता है ये बोल बोल के डंडे मारती है मुझे। नहीं 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 नहीं, मैंने कभी प्यार में डंडा नहीं मारा, वो तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना तब इनकी खबर लेती हूँ मैं। लो जी हरकतें ही ऐसी करते हैं। अब देखो सुहाग रात के दिन कोई भी आदमी अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, इन्होंने झाड़ू उठा लिया। हाँ तो पाजी सारा दूध जमीन पे गिरा दिया और फिर बिल्ली की तरह चाट रही थी। कंजूस तो इतने है ना, विदाई हुई मैं गाड़ी में बैठी, कहने लगे 2 सीटें खाली हैं सवारी बिठा लेते हैं। मेरे पास मनीषा जी, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, आपको पता है इन्होंने आज तक मेरे साथ हनीमून नहीं मनाया। अरे हनीमून क्या मेरा जीजा है जो बार बार मनाता फिरूं? और झूठ क्यों बोल रही हो तुम, शमशान घुमाने नहीं ले गया था मैं तुम्हें? कोई अपनी बीवी को शमशान घाट लेकर जाता है घुमाने, आप बताओ? अरे लोग मरते हैं वहां जाने के लिए। पप्पू ऐसा करना, आज तू ना हमारे घर खाना खाना, मैंने भरता बनाना है। लेकिन घर में बैंगन तो है ही नहीं।
तो आपका बनाना है ना, आप कौन सा बैंगन से ज्यादा हो। अरे जाने मन, अगर बनाना ही है तो मूड बनाओ यार, रोमांटिक मूड बनाओ। इतनी प्यारी हीरोइन आई है हमारे यहाँ, आओ हम दोनों एक रोमांटिक गाना गाते हैं। हाय मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी आप आए ना, तो जिंदगी में पहली बार इन्होंने मेरे साथ रोमांटिक टाइप की बात की है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। ओए कोई रोमांटिक टाइप का गाना बजाओ जल्दी से। एक कैसा हस्बैंड, इसको बेच के साइकिल क्यों नहीं ले लेती। देखो अपने ऐसे ही नहीं, मैं इतनी दुखी, ओए मर गई। लगता है ना फिर से दौरा पड़ गया, मैं इसे जरा ठीक करा के लाती हूँ। आप प्रोग्राम चालू रखिए। सिद्धू जी ये हाल है मेरा। अब वक्त है फिल्म डियर माया से एक और खूबसूरत एक्ट्रेस को यहाँ बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा श्रेया चौधरी का। मुझे भी सेम। हाउ आर यू श्रेया? वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू। आइए प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रेया आपकी ये डेब्यू फिल्म है ना? जी हाँ। पहली फिल्म में आप मनीषा जैसी खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री के साथ काम कर रही हैं और साथ ही हमारे शो पे भी आ गई हैं। 16 सोमवार के व्रत रखे थे। तो पहले क्या करती थी श्रेया आप? मैंने ग्रेजुएशन करके मैं 2 साल मॉडलिंग कर रही थी। ओके तो उसके बाद फिल्मों में आ गई आप? जी हाँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और ट्रेलर भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मोहतरमा आपकी हाइट कितनी है? 6'3". हील्स के साथ सर 6'3", लेकिन 5'9". आ तेरी क्या बात है। अरे ये जो आपको मिनिस्ट्री जो मिली है, इसमें ये भी डिपार्टमेंट आता है लड़कियों का भी ध्यान रखना। मेरी हाइट तो पूछी नहीं इतने सालों में आज तक आपने। नहीं पर वो मतलब तेरे साथ जब खड़ी हुई ना, जी जी, तो मुझे लगा तू बौना सा लग रहा है। आपकी हाइट तो ज्यादा है, 6'2", फिर भी एक कम है। 3 है भाजी। डियर माया में जो है कास्टिंग तकरीबन सब लड़कियां हैं, और जिन्होंने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की है वो भी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है सुनैना भटनागर जो हमारे बीच मौजूद है। सुनैना आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुनैना एक बात पूछूं आपसे, मतलब जैसे आपने फिल्म लिखी भी है डायरेक्ट भी की है, आप लड़की हैं, सब लड़कियों ने काम किया है, जेंट्स देख सकते हैं ना फिल्म को? वैसे ये फिल्म जो है डियर माया, इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया? ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा कि एक लेडी है जो अपने आप एक हवेली में बंद कर लेती हैं, फिर उनको सडनली कोई प्रैंक खेलती हैं लड़कियां। तो ये हैं इनके जन्मदाता जो हैं, इन्होंने स्टोरी लिखी है और डायरेक्ट की है। हाँ क्या है उसमें, व्हाट इज द थीम? एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, ट्रू स्टोरी, जिसमें एक औरत थी पंजाब में, शी सॉ द सिख रायट्स इन 1984। ओके। और खिड़की से उसने रायट्स देखे, उसके बाद 30 साल बाद उनको घर से निकाला गया। एंड हर हस्बैंड यूज टू लिव नेक्स्ट डोर, क्योंकि उसको भी अंदर आने नहीं देती थी, शी वॉज सो स्कैर्ड। तो वहाँ से कहानी का आइडिया शुरू हुआ कि कोई क्या हो सकता है ज़िंदगी में जो आप अपने आप को अंदर बंद कर लें, और फिर क्या हो सकता है जिससे आप बाहर आएँ। Congratulations, Sunaina. Thank you. And all the best. Thank you so much. श्रेया वैसे तो एक्ट्रेस हैं, पर इनको हॉर्स राइडिंग, बाइक चलाना, पता नहीं और कौन 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 से शौक हैं आपके? और बॉक्सिंग। अच्छा जी। तो तू बच के रही हो। नहीं आप हीरोइन बनने आई इंडस्ट्री में, आप किसी से बदला लेने आई हैं? मतलब ये सारे ही ऐसे खतरनाक काम करती हैं। और आपका मोबाइल कहाँ है? पता नहीं। अच्छा लेकिन यही साथ में? नहीं। अरे मुझे मिस कॉल मारनी थी, मेरा नंबर फोन। अच्छा मनीषा जी, पहले तो ऐसा फैशन में नहीं था, लेकिन आपने जिन जिन स्टार्स के साथ काम किया है सबने सिक्स पैक बना लिए हैं। जी मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ, खाली आपको देख के बताना किन के हैं ये। दिखाइए जरा। शाहरुख। अजय देवगन। और नेक्स्ट आमिर। आमिर खान। और कोई आगे? आपसे पूछा किसी ने? दोनों चुप रहो। शाहरुख। कैमरामैन इज सेइंग शाहरुख। ये तो पक्का शाहरुख भाई है, क्या बात है। और नेक्स्ट सलमान। ओए होए क्या बात है,
अच्छा आपको पता है मनीषा जी, जैसे आपने आई लव यू का आविष्कार जब हुआ था इल्लू इल्लू का, एक्चुअली सौदागर फिल्म में, आजकल भी बड़े शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं आजकल, जैसे वो इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे चीजें आ गई, व्हाट्सएप आ गया। मैं आपको कुछ वर्ड्स पूछता हूँ, आपको बताना उसका मतलब क्या है। रॉफल, आर ओ एफ एल। बेटा तू ही आ जा इधर। आपको एक्चुअली एक्चुअली पता है जी, आपको रोल ऑन द फ्लोर लाफिंग, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, इसका मतलब क्या था वैसे? बहुत हंसना। अच्छा, टी टी वाई एल, टॉक टू यू लेटर। आप तो कहती है मेरे पास फोन नहीं है। अरे किस, नॉट मी, आई मीन के आई एस एस, कीप इट सिंपल स्वीडी। ये मैंने खुद से बनाया है। ओके, आई एल टी के एस एस। आई लव द कपिल शर्मा शो। ओए वाह। अच्छा ये तो हो गए ना शॉर्ट वर्ड। कई लोग कोड वर्ड रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज होती है ना, उनमें कभी कभी पति बैठा हुआ है माँ बाप के बीच, तो लेडीज बहाने से बुलाती है ना अपने पति के। मैंने कहा जी सूटकेस निकाल दो ऊपर से, तो पति सूटकेस निकालने के बहाने अंदर चला जाता था। हालांकि और किसी को समझ ना आए, ससुर को समझ आ जाती थी, क्योंकि वो भी सूटकेस निकाल निकाल के चार छोटे छोटे ब्रीफकेस पैदा किए ना। हाय कपू। हेलो मनीषा मैम। हाय श्रेया। मैं हूँ सल्ला। हाय सल्ला। ये क्या तेरे को कोई और नहीं मिला? क्यों, अब इससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं टेडी बेयर से पूछ रहा हूँ। आपको पता है ये ना दूसरों के घरों में जाती है, ये बहाना लगा के कि पोलियो की दो बूंदे पिलाने आई हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों से ये छीन के ले आती है। किसका छीन के लाई है? सपो, मैं तुम्हारे लिए खरीद के लाई हूँ। देखो इसमें आई एल यू भी लिखा है। आई एल यू का मतलब पता है? आई हेट यू। हेट यू नहीं, लव यू होता है। वो मनीषा जी जैसी खूबसूरत लड़कियों उनके लिए होता है। उनको नहीं पता है? ये टैलेंटेड बहुत है लेकिन मनीषा जी, उन्होंने कलर टीवी लिया ना, पानी में डुबो के चेक कर रही थी। मैं क्या कर रही है? कहती देख रही हूँ कलर तो नहीं छोड़ रहा। मनीषा मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी कोई फिल्म मिस नहीं की है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। रियली? यस। इनको एक्चुअली मैं बताता हूँ ना, इसको टिकट मिल जाती थी कैसे? वो जो प्रमोशन करने वाले रिक्शा नहीं होते, जिसके चारों तरफ पोस्टर लगा के, रिक्शा चलाने वाला खुद ही आगे जाके नाश्ता भी रोक के आपके शहर में करके दिखाया सरला जैसे करती थी। क्या बात कर रहे हो, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। मनीषा मैम से, मैम आप नेपाल से हैं? हाँ जी। मेरा भी नेपाल से कनेक्शन है। क्या? ओके। पापा हनीमून के लिए नेपाल गए थे। हाँ, पापा नेपाल गए थे, मम्मी चाइना गई थी इनकी। एक सेकंड कप्पू, हनीमून पे हस्बैंड वाइफ एक ही जगह जाते हैं। तो ये अपने माँ बाप को समझाना चाहिए था ना। अलग अलग गए ये। तुम हमेशा ऐसी ही बातें करोगे, कभी तो मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें सर्च ही कर लिया करो। ये बहुत सर्च करती है, आपको पता है? क्या? सारा दिन गूगल पे बैठ के ये एनी लंगर नियर बाय यही सर्च करती रहती है। देखो कप्पू, मैं ना तुमसे कम नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही यहाँ बैठे बैठे इंटरव्यूज ले सकते हो? मैं भी ले सकती हूँ। आ जाओ, तुम्हें मना किया किसी ने? हाँ तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मनीषा जी, वेलकम टू द सल्ला शर्मा शो। बहुत बहुत तालियां। तुम तो गुलाटी है। हाँ तो शादी के बाद शर्मा ही तो हो जाऊंगी। आप इस बात पे हंस सकते हैं। वैसे मनीषा जी, आप बताएं आपको कैसा लगा हमारे शो पे आके मुझसे मिलके? बहुत अच्छा लगा सरला। मुझे पता नहीं था आप झूठ भी बोल लेते। वैसे मनीषा जी, यहाँ आपके इतने सारे फैंस हैं, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। तो कोई है जो मनीषा जी से कुछ पूछना चाहता है? जी मेरे दोस्त, बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ सरला जी, आप यहाँ से कब जाएगी, आपकी एग्जिट कब है? तुम बाहर मिलना। बाहर मत मिलना है, बोले कि कॉफी पिलाओ। यार कप्पू यार, तुम चुप रहो यार, तुमसे कुछ नहीं होगा। मनीषा मैम, आपका एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक सॉन्ग है कुछ ना कहो, जो मेरा फेवरेट है। ओके। तो अगर आप इस आदमी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दे कि मेरे साथ कुछ एक रोमांटिक नंबर कर ले। कम ऑन कपिल, यू मस्ट। आपकी रिक्वेस्ट में तो शायद ये कर लेगा। मैं आपकी इतनी प्लीज डू इट। पक्का? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करते हैं, आ जाओ। क्या बात है, कॉर्ड दे रहा, तो कॉर्ड भी मत दे, रहने दे।
कुछ ना कहो, बिल्कुल भी कुछ ना कहो, दबा जाओ यहाँ से, मेरे को कोई नहीं। अच्छी बनी, देखा हाथापाई पे उतर आती है, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अरे यार, पर ये तो ऐसे ही फालतू में बैठ गई। पर एक्चुअली आपके फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप जो भी बात करना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी भाई साहब, एक सवाल मेरा आपसे, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? जी नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अच्छे। पर्स वगैरह गुम हो गया आपका, क्या हुआ? नहीं सर, बड़ा खुल के यार, फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा है इसलिए। हैं? क्या करते हैं वैसे? ग्रेजुएशन किया है सर। अच्छा जी, अभी कॉमेडियन बनने के लिए मुंबई आया। मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बचपन से मैंने आपकी सब मूवीज देखी है। हैं? ये 14 साल के हैं आप? अच्छा। मैम मैं आपके लिए वो आपका लव स्टोरी 1942 का सॉन्ग गाना चाहता हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लग। प्लीज गाइए। मैं स्टेज आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, आपका अपना स्टेज है। पूजा हंसी जा रही है। पूजा तुम्हें काम नहीं की? पूजा अच्छी बात है, हंसती रहो, अच्छी लगती है। आओ बैठो बैठो, आज आज बैठो। और सुनाओ। जी सर, मेरा नाम जगदीश है। कॉमेडी ही क्यों करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स के बाद आजकल कॉमेडी में ज्यादा पैसा है। ये क्या बात है? ये फैक्ट है सर, मैंने देखा है। तो जगदीश क्या क्या कुछ सुनाइए। मनीषा जी आपकी फेवरेट है तो आपके सामने है। मैं आपके लिए सॉन्ग गाना चाहता हूँ, एक लड़की को देखा तो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे मन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक चलता दिया, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये गाना ना मंदिर में भी गा सकते हैं क्योंकि भगवान सबको माफ कर देते हैं। ये इनको साथ लेके चलना है। मैम मैंने आपकी सभी फिल्में देखी है। माइक माइक थोड़ा पाजी बोलने दो आप। जी इनकी मूवीज दिल से देखी थी, फिर मैं शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर रहा था घर पे, वो मैंने आग लगा दी ऐसे। कैन यू जस्ट इनएक्ट शाहरुख? ऐसे मैंने हाथ आग लगा दी ऐसे, थोड़ा मिट्टी का तेल छिड़क कर ऐसे आग लगा दी, फिर मैंने ऐसे हाथ घुमाया, आग तो जूझी नहीं, मेरा मुंह आग के ऊपर आ गया तो मेरी ये दोनों आईब्रो आधी आधी जल गई। डायलॉग तो सुनाओ शाहरुख भाई का, कोई डायलॉग शाहरुख भाई का श्रेया जी के लिए। ये बंदा ना, ये अंदर से कुछ है और। ये धीरे धीरे ना सबको लपेटे में ले रहा है, पहले मनीषा जी को मस्का लगाया, अभी धीरे। मैम तो बहुत बड़ी है ना, इनके लिए वो डायलॉग शूट करेगा ऐसे। तो कोई डायलॉग सुना दो। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है, आज आप सभी ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया, थैंक यू वेरी मच। यार मेरा दिल कर रहा है तो मैं कोई गिफ्ट दूं मैं, पर दिमाग कह रहा कि रहन दो। पर आइए, आपका ट्रू फैन है, आइए एक एक फोन लेके आइए। मनीषा जी, ये हम लोग जो हमारे दर्शक यहाँ पे आते हैं, मनोरंजक दर्शक, उनको हम ये गिफ्ट देते हैं, ये खूबसूरत सा मोबाइल आपके खूबसूरत से हाथों से। ओके, अभी पेंट थोड़ी ऊपर खींचो। हाँ अभी ठीक है, शुक्रिया जगदीश, थैंक यू सो मच, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। गॉड ब्लेस। आ गया गुरु, और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज, हाउ आर यू? हेलो, हाय। मैम मैंने आपकी सारी मूवीज देखी है, एंड मोस्ट ऑफ आपने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट जो मेरे स्पेशली फेवरेट हैं उनके साथ नहीं किया है। कौन आपके फेवरेट? हमारे कपिल शर्मा जी। हाँ। ओह वाव। सो अरे वो फोन छीन के इनको दे दीजिए।
तो स्वीट क्या नाम है आपका? बीजल। बीजल, ये नाम मैंने पहली बार सुना। बीजल इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं, ऐसे ही रख दिया है पापा ने। सर, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कुछ दो लाइन आप मैम के लिए गा दीजिए तो। आई वुड लव टू। थैंक यू सो मच बीजल। कम कम बीजल प्लीज। मुझे उल्टा आपको बोलना चाहिए, आपने मुझे इतना खूबसूरत गाना गाने का मौका दिया। थैंक यू सो मच बीजल। कहाँ से हैं आप? मुंबई से। थैंक यू सो मच बीजल। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। हमारा तो भाग्य खुल गया यार। मनीषा कोहिराला जी आई हुई है। मनीषा जी नमस्ते। हाय हाय श्रेया, डैब फॉर यू। आपको पता है आजकल ऐसा यंगर जनरेशन करता है, डैब। खैर, देख के बड़ा मजा आया, आपको इतना खुशी हो रहा है ना। ए कपू शर्मा, एक काम करो यार, पहले अपना एक या मनीषा जी के हाथ से ना एक मोबाइल जरा पुतन को दिलवा दीजिए। क्यों, इसको क्यों दे फोन? अरे इसने क्या कमाल का सवाल पूछा यार हमसे, और हमने देखा है यहाँ पर कोई अच्छा सवाल पूछता है उसको मोबाइल मिलता है, दीजिए यार। क्या सवाल पूछा? अरे इसने हमसे कमाल का सवाल करा, इसने हमसे हमसे पूछता है कि श्री बच्चा यादव जी, पहली बात तो देख के नाम में इतना रिस्पेक्ट टपका दिया इसने, हमको आदत नहीं है इतना रिस्पेक्ट का। फिर कहता है कि श्री बच्चा यादव जी, आपके ये ऋतिक रोशन जैसे बॉडी का राज क्या है? ये सवाल नहीं, हमारा दिल जीत लिया यार। हमने इसे कह दिया कि भाई तुझे राज भी बताएंगे, तुझे सिमरन भी बताएंगे, उसके साथ साथ तुझे मोबाइल भी दिलवाएंगे। आप इसको मोबाइल दीजिए, फिर मिल जाएगा। मिल तो तब जाएगा जब हम देंगे। नहीं नहीं, अरे यार आप गलत समझ लिए, फोन आप दे या ना दे, ये मिल तो जाएगा, क्योंकि मिल पे काम करता है यार ये। अच्छा। लेकिन यार पुत्तन, इनका शकल देख के लग रहा है कि ये देने नहीं वाले, देना होता तो पहले लाइन में दे देते। हमने दे दिया है। चलो यार, मोबाइल तो गया यार। चलो, बेकार का बात करता है, ऐसा ही बोलता रहता है। वैसे मनीषा जी बहुत बड़े फैन है आपका, सारा फिल्म देखे, सारे गाने सुने। हमारा फेवरेट गाना वो वाला है, वो जो आपके फिल्म में वो एआर रहमान जी ने बिना माइक के गाया था ना। बिना माइक के कौन सा गाना गाया था? नहीं नहीं, अरे एक बिना माइक के एआर रहमान जी से गाना गवा दिया, वो गाना था अपना, एक सूरज निकला था, एक तारा पिघला था, एक आंधी आई थी, एक दिल से आंधी। यार आप ही बताइए, माइक होता तो आदमी को इतना चिल्लाना पड़ता क्या? और दिल से आ निकली तो पहले कोई बताए कि भाई कांटा वाटा लगा तो आ निकलेगी, कुछ बताया नहीं, आ सीधा निकल आई, ये तो यार इट इज नॉट डन। वैसे आपका एक और गाना था जिसमें लिरिक्स जो थे ना, जिन्होंने लिखा था लिरिक्स, हाँ वो लिरिक्स जी ने थोड़ा ऐसा गड़बड़ लिख दिया। क्या वो कहते हैं कि ए अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ये देखिए क्या बात हुआ यार, कोई भी अजनबी हो या पहचान वाला हो, आवाज तो एक ही जगह से देगा, मुंह से, और कहां से दे देगा यार। तू तो ये बात नहीं बोल सकता ना, तेरी आवाज तो कभी कभी कहीं और से भी आती है। कपू शर्मा आप जरा वो दीजिए। क्या? रहने, आप रहने दीजिए। तो वैसे श्रेया, ये आपका पहला फिल्म है? जी हाँ। मानना पड़ेगा यार, क्या पहला फिल्म होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा फिल्म का दूसरा फिल्म हो जाता है ना। अच्छा, आज मनीषा जी पहली बार आई, जोक तो सुनाओ उनको अपना। यार आप कर लो ना कॉमेडी थोड़ा, हमको क्यों बीच में ला रहे? जोक तो, अरे नहीं छोड़ो यार, अब रहने चल, रहने दे। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी यार, अभी आए आए हैं तो थोड़ा सुना देते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं जी, वो हमेशा शाम को क्यों मिलते हैं यार, वो दिन में नहीं मिलते, व्हाई? क्यों? बिकॉज ही इज पीएम यार, ही इज नॉट एएम। ही इज पीएम। गुड जोक, नो वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन आपको बताएं मनीषा जी, आज हम सिर्फ जॉक्स नहीं लेकर आए हैं, तो आज हम एक आपके लिए कुछ तैयारी करके लाए हैं जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, इफ यू डोंट माइंड। एब्सोल्युटली। एक मिनट रुकिए जरा, ये आप थोड़ा इधर आके बैठ जाइए।
अच्छा क्या करने वाला तू आज? अरे है कुछ तैयार करके लाए, मौका दीजिए ना। क्या बात है, मौका दीजिए। आइए आइए। अच्छा हम कहाँ बैठे? बेबी बिट सिद्धू जी, चलो आओ आओ श्रेया। तो म्यूजिक दीजिए। आई एम प्राउड ऑफ यू, ये तुम पे गर्व है यार। आइए मैम, आइए आइए, कम श्रेया, एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। आप सब लोग भी इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।